खूनी मंडे की फैमिली हो गई है 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स की एक बड़ी फैमिली। हमारे एक एक सब्सक्राइबर को दिल से थैंक यू सो मच कि आपने इस जर्नी में हमारा इतना साथ दिया और हमको इतना प्यार दिया। ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है और आपको दिल दहला देने वाली स्टोरी सुनाते जाना है। और कल 31 अक्टूबर है, यानी हैलोवीन, और मैं आ रहा हूँ हमारे इंस्टाग्राम पेज पर 7 बजे आपसे लाइव बातचीत करने। तो मिलते हैं कल, लिंक इस वीडियो की पिन कमेंट में। फॉलो नाउ। कर्स्ड चाइल्ड। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इनकी आंखों में सिर्फ भोलापन और क्यूरियोसिटी दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे में खुद शैतान का वास हो तो। ये कहानी सूरज और सुरभि की है। 7 साल ट्राई करने के बाद सूरज और सुरभि की विश पूरी हुई थी। सुरभि प्रेग्नेंट थी। सुरभि ने जैसे ही सूरज को एक गुड न्यूज दी, सूरज फूले नहीं समा रहा था। और सुरभि के 8 महीने बीत चुके थे। एक रात बहुत तेज तूफान आ रहा था। बादल ऐसे बरस रहे थे कि मानो धरती पर रह रहे लोगों से गुस्सा थे। सड़कों पर जाम लग चुके थे और उसी वक्त सुरभि की हालत अचानक से बेहद खराब हो गई। सुरभि दर्द से चीखने लगी और सूरज ने जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। सूरज बहुत डरा हुआ था। वो बस दुआ कर रहा था कि उसकी वाइफ और उसका बच्चा सही सलामत रहें। सुरभि की डिलीवरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। करीबन 2 घंटे के प्रोसेस के बाद रात के ठीक 12 बजे सुरभि और सूरज का बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा प्रीमैच्योर था। अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चा पैदा होने पर रोता है और उसका रोना ये साइन होता है कि पैदा हुआ बच्चा हेल्दी है, पर सुरभि का बच्चा बिल्कुल नहीं रोया। डॉक्टर्स को लगा कि शायद सुरभि ने एक स्टिल बॉर्न बेबी डिलीवर किया है। डॉक्टर्स बच्चे को बचाने की होप में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी वक्त वो बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। सब लोग दंग रह गए थे, क्योंकि उस डॉक्टर के करियर में ये पहला ऐसा बच्चा था जो पैदा होने के बाद रोया नहीं बल्कि हंस रहा था। डॉक्टर्स ने इसे अनएक्सप्लेनेबल चमत्कार कहा। और सुरभि और सूरज 5 दिन के बाद अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ घर आ गए। 7 साल तक वेट करने के बाद सूरज और सुरभि ने अपने बेबी को फाइनली अपने हाथों में पकड़ा था। उनके बच्चे का नाम उन्होंने आरव रखा। आरव बचपन से ही काफी एक्टिव था। सिर्फ 6 महीने की उम्र में ही उसने थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दिया था। सूरज और सुरभि उससे अक्सर कुछ बुलवाने की कोशिश करते थे, पर वो ऐसे शब्द बोलता था जिनका कोई मतलब ही नहीं था। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। आरव 2 साल की उम्र में किसी 5 साल के बच्चे जैसा लगता था। वो दौड़ सकता था पर अभी भी बोल नहीं पाता था। सुरभि और सूरज को लगने लगा कि शायद आरव बोल नहीं सकता। वो अक्सर बहुत कोशिश करते कि आरव कुछ बोले, पर वो अपनी ही बनाई बेमतलब आवाजें निकालता रहता। दूसरी तरफ आरव की फिजिकल ग्रोथ काफी अनयूजुअल थी। 1973 हैलोवीन की रात, 2 साइको किलर्स ने मिलकर अमेरिका की टीनेज लड़कियों के साथ कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया की रूह कांप गई। देखिए हमारी नई क्राइम स्टोरी हैलोवीन मर्डरर्स हमारे नए चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे पर। वीडियो की लिंक पिंड कमेंट में। इसके चलते उसका एडमिशन भी नर्सरी में जल्दी से हो गया और वो लिखना और ड्रॉ करना सीखने लगा। आरव को ड्राइंग करना बहुत पसंद था, इसलिए वो हर समय अपने हाथ में क्रेयॉन्स लिए इधर उधर दौड़ता रहता था। ऐसे ही एक दिन सुरभि और आरव घर में अकेले थे। सुरभि टीवी देख रही थी और आरव ड्राइंग कर रहा था। और उसी वक्त आरव ने पहली बार एक वर्ड बोला, मम्मा। सुरभि के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी,
वो खुशी के मारे आरव के पास आकर बैठ गई। पर पास बैठकर उसने देखा कि आरव ने ब्लैक क्रेयॉन से एक औरत बनाई हुई थी और उस पर पॉइंट करके वो बार बार मम्मा मम्मा बोल रहा था। सुरभि को ये बात काफी अजीब लगी। फिर उसने आरव की बाकी ड्राइंग्स पर ध्यान दिया तो वो पहली वाली ड्राइंग से भी ज्यादा खतरनाक थी। काले और ब्लू क्रेयॉन से उसने एक जंगल बनाया हुआ था और उस जंगल की एक पहाड़ी पर एक डरावनी सी दिखने वाली औरत एक आग की आहुति के सामने बैठी थी और उसके आसपास इंसानी खोपड़ियां पड़ी हुई थी। सुरभि ये सब देखकर थोड़ा घबरा गई। उसने आरव के हाथ से क्रेयॉन छीन लिया और आरव को अंदर ले जाने लगी। लेकिन आरव में अचानक एक अजीब सी शक्ति आ गई। सुरभि उसे हिला भी नहीं पा रही थी। सुरभि ने आरव के कंधे पर हाथ रखा तो आरव एकदम से पलटा और जानवर की तरह अपनी मां पर ही टूट पड़ा। आरव की दोनों आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं और उसके दांत अजीब से नुकीले हो गए थे। सुरभि चीख चीख कर मदद मांगने लगी और उसी समय घर की बेल बजी। सुरभि भागकर दरवाजे पर गई और सूरज को देखकर डरी सहनी आवाज में हांफती हुई बोली, वो आरव, वो ड्राइंग, वो। अपनी वाइफ को डरा सहमा देखकर सूरज भी थोड़ा घबरा गया और उसने सुरभि को शांत कराया और पूछा, क्या हो गया तुम्हें? सुरभि ने आरव के डायरेक्शन में पॉइंट किया, लेकिन आरव चुपचाप फर्श पर बैठा हुआ अपने क्रेयॉन से खेल रहा था। सुरभि सूरज को समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सूरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो सुरभि आरव के पास रखी उसकी ड्राइंग्स को उठाकर सूरज को अंदर कमरे में ले गई। उसकी ड्राइंग्स को देखकर सूरज के पसीने छूटने लगे। उसने सुरभि से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इस औरत को जानता हूं। सुरभि को कुछ समझ नहीं आया कि फिर सूरज ने सुरभि को सब कुछ बताना शुरू किया। तुम्हें बच्चा चाहिए था, तुम बहुत दुखी रहने लगी थी, हमने पूरी मेडिकल हेल्प भी ली, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें इतना दुखी नहीं देख पा रहा था, तब मुझे किसी ने पास की पहाड़ी पर रहने वाली एक औरत के बारे में बताया। वो काले जादू से सबकी इच्छाएं पूरी करती थी, तो मैं उसके पास चला गया। उसने मुझसे कहा कि हमें बच्चा मिल जाएगा, पर एक शर्त पर। मुझे हर अमावस की रात उसके पास जाकर अपने खून की दो बूंदें उस आग की आहुति पर चढ़ानी थी। उसके बाद हमें आरव मिल गया और सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। आरव भी अब बड़ा हो गया था तो मैंने 2 महीने पहले वहां जाना छोड़ दिया। ये सब सुनकर सुरभि शॉक थी, लेकिन इससे पहले कि वो सूरज को कुछ बोल पाती, उन्हें बाहर से आरव की जोर जोर से हंसने की आवाज आई। सुरभि और सूरज बाहर की तरफ दौड़े और उन्होंने देखा कि आरव फर्श पर अकेला नहीं बल्कि उसी ड्राइंग वाली डरावनी औरत की गोद में बैठा है। उस औरत की लाल आंखें, बिखरे काले बाल और नुकीले दांत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो औरत कोई डायन हो। सुरभि जैसे ही आरव को उस औरत से लेने आगे बढ़ी, उस औरत के हाथ अचानक लंबे हो गए और उसने उन हाथों से सुरभि को जकड़ लिया। सूरज देखकर सहम उठा और उस औरत से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा, पर उस डायन ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरभि चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरा बच्चा, मेरा आरव, मुझे दे दो। सूरज का भी रोना छूट गया, लेकिन वो डायन टस से मस नहीं हुई। वहीं छोटा सा आरव ये सब देखकर हंसे जा रहा था।
अचानक वो उस औरत की गोद से उठा और अपनी माँ सुरभि का कसके गला दबाने लगा। ये देख सूरज जैसे ही आरव को हटाने की कोशिश में आगे बढ़ा, उसे एक जोर का धक्का लगा जिससे उसका शरीर कमरे की दीवार पर जा लगा और वो जोर से गिर पड़ा। आरव अभी भी सुरभि का गला दबा रहा था। सुरभि ने कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ दिया। उस डायन ने आरव को उठाया और वहां से अचानक ही गायब हो गई। सूरज चोटिल हालत में वहीं पड़ा रहा और कुछ नहीं कर पाया। उसने उस रात अपनी पत्नी और अपना बेटा आरव दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उसने आरव और उस डायन को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। एक छोटे से काले जादू ने सूरज से उसका सब कुछ छीन लिया और उसने अपने आप को कसूरवार मानकर खुदकुशी कर ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो खूनी मंडे को अभी सब्सक्राइब करिए और देखना ना भूलें हमारी नई क्राइम स्टोरी हैलोवीन मर्डरर्स, ओनली ऑन द क्राइम शो बाय खूनी मंडे। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करो। मिलते हैं कल शाम 7 बजे आपसे लाइव बातचीत करने।